तो मोहतरम नाज़रीन इकराम व तुलबा इकराम, ये थी क़िरात सैयदना इमाम हमज़ा बरवायतैन, सैयदना इमाम खल्फ व सैयदना इमाम खल्लात बतरीक़े शातबिया, जो मैंने आपके सामने बतौर तालीम जो है वो पेश की है। इसके मुताबिक आपने कवायद जो हैं वो लगाने हैं और उस हिसाब से आपने क्या करनी है, मुकम्मल जो है वो किरात सीखनी है और तमाम सिपारों के अंदर जो है वो कवायद को फिट करते हुए आपने इसको क्या करना है, सीखना है, मशक करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और आखिर में इस किरात की जो सनद है वो तीन वास्तों से रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक पहुँचती है। और आपकी सनद यूँ है कि हज़रत सैयदना इमाम हमज़ा रहमतुल्लाह ताला ने इस किरात को हज़रत इमाम अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह से सीखा, उन्होंने हज़रत अबू अब्दुर्रहमान सुलमी और हज़रत ज़र बिन हुबैश असदी, इन दोनों जो है वो ताबईन इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन से सीखा, और इन दोनों ने जो है वो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सीखा, और फिर उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा। तो कुल तीन वास्तों से ये किराअत जो है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती है। तो उम्मीद है कि आपको ये किराअत और उसकी जो तालीम और उसके हवाले से जो कवायद हैं वो आपको ज़रूर समझ में आ गए होंगे, और किसी भी किस्म का आपके जहन में कोई सवाल होगा तो वो ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा। अगले लेसन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।